आप सभी को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सभी? बुलंदाबाद से बोलिए, शर्म आ रही है बोलने में? आप लोग बोलते हैं ना अच्छे हैं, तो आज हम उर्दू में बोलेंगे, ठीक है? ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा आप कैसे हैं, तो आप कहेंगे हम खैरियत से हैं। क्या कहेंगे? दोबारा बोलिए, बुलंदाबाद से बोलिए, बहुत अच्छा, बेहतरीन। और कोई आपको बोलेगा कि हेलो, तो आप उर्दू में बोलेंगे आदाब। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। कोई बोलेगा आपको गुड मॉर्निंग, इंग्लिश में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा, इसके मायने होते हैं आप सलामत रहिए। कोई हमें सलाम करता है तो इसके मायने होते हैं आप सलामत रहिए। क्या मायने होते हैं? आप सलामत रहिए। मैं नमस्ते बोलिए। बहुत अच्छा, तो आपको जवाब में क्या कहना होगा? वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। इसके मायने आप ही सलामत रहिए। जो भी बोलिए आप ही सलामत रहिए। और कोई चीज आपको पसंद आती है तो आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइस। इसके मायने में आप ही सलामत रहिए। जो भी बोलिए आप ही सलामत रहिए। ठीक है, समझ आया? और कोई चीज आपको पसंद आती है तो आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाइस। वेरी नाइस। क्या कहते हैं? इसके जगह आपको बोलना है सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? आप लोग जब रात को सोते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं गुड नाइट। क्या कहते हैं? गुड नाइट। तो आपको उर्दू में कहना है शबा खैर। क्या कहेंगे? शबा खैर। बात अच्छी। अब मैं आपको कुछ जुमले हैं वो आपसे बुलवाऊंगी, तो आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, ठीक है? जैसा मैं बोलूंगी कि आपको बनना है, समझ आया? हमें सदर की हिफाजत करनी चाहिए। मैंने सुन लीजिए, उसके मायने समझ लीजिए, उसके बाद मैं कहूँगा आपको बोलना, ठीक है? सदर के मायने हैं पेड़ पौधों के। हमें सदर की बुलंदाबाद से बोलिए हिफाजत करनी चाहिए। हिफाजत करनी चाहिए। कमल अश्मन खान है, मैं दर्जा 8वीं की तालिबा हूँ। मैं आप सभी के सामने एक नज्म पेश कर रही हूँ जिसका उन्वान है उर्दू जबान हमारी। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू जबान हमारी, फूलों की जैसी प्यारी उर्दू जबान हमारी। फूले फले हमेशा बागे जहाँ में यारब, हो हर जबान पे जारी उर्दू जबान हमारी। भारत है इसका मस्तन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू जबान हमारी। झड़ते हैं फूल मुंह से, घुलता है रस फिजा में, जब हो जबा पे जारी उर्दू जबान हमारी। शुक्रिया। अब मैं आप सभी के सामने अंकिता को बुलाना चाहूंगी, वो आपको उर्दू जबान से मुतालिक कुछ मुश्किल अल्फाज और उसके माने बताएगी, इससे आपको उर्दू की मालूमात में इजाफा होगा। कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मायने बताऊंगी। मुश्किल अल्फाज नंबर एक एहतराम, इसके मायने है इज्जत। मुश्किल अल्फाज नंबर दो जमाल, इसके मायने है खूबसूरती। मुश्किल अल्फाज नंबर तीन इनायत, इसके मायने है करम और मेहरबानी। मुश्किल अल्फाज नंबर चार आगाज, इसके मायने है शुरुआत। मुश्किल अल्फाज नंबर पाँच मुनाफा, इसके मायने है फायदा। मुश्किल अल्फाज नंबर छः आदिल, इसके मायने है इंसाफ करने वाला। शुक्रिया। मनुष्य अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। मैं अपने अल्फाजों
मैं अपने अल्फाजों को दोबारा दोहराता हूँ। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है उसी तरह सोचों से ईमान बनता है। शुक्रिया। मेरे हम नफस उस्तादों, आज सबों का शुक्रिया। उर्दू जुबान दुनिया की सबसे शीरी जुबानों में से एक है। शीरी का मतलब होता है मीठी जुबान, मीठी फ्रेंच और उर्दू ये बहुत मीठी जुबान माने जाते हैं। इनमें जो भी अल्फाज या शब्द आते हैं उनको बोलने का लहजा बहुत मुतमईन करने वाला और मशवरा देने वाला होता है। मैं आप लोगों से आज बस ये गुजारिश करूंगा कि हम अपने मुल्क की मुख्तलिफ जुबानों को इज्जत फराहम करें, उनको समझने का अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। हमारा अकीदा अपने मुल्क पर हो, अपने ईमान पर हो, अपने काम पर हो। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है, गौर फरमाइएगा कि जो आदमी अपने मुल्क के लिए जीता है और मुल्क के लिए मरता है वही सच्चा मुल्क का बाशिंदा होता है। ये आप सभी जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने वतन के लिए इतने लोग कुर्बान नहीं होते। अपने वतन की इज्जत के लिए, आजादी के लिए शहीद भगत सिंह और उन जैसे कितने लोगों ने कुर्बानी दी। और आज भी हमारे देश के जो जवान हैं वो देश के लिए मन मिटने को तैयार है, उसकी रक्षा के लिए, इसकी हिफाजत के लिए यहाँ से लेकर कारगिल तक। आप यकीन नहीं करेंगे जब आप कारगिल जाएंगे, लेह लद्दाख जाएंगे, अगर जरा सी भी ठंड लग गई आपके पैर सड़ जाएंगे, और जरा ज्यादा लग गई ऑक्सीजन की भी कमी होती है तो आदमी की जान रुखसत हो जाती है। उस माहौल में भी हमारे जवान डटे हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारा क्या फर्ज है। हम आगे बढ़े देश के लिए, हमें भी चाहे हम जिस पोजीशन पर हो, जिस किरदार को अदा कर रहे हो जीवन में, उस किरदार के लिए चाहे हम विद्यार्थी है, चाहे हम शिक्षक है, चाहे हम किसान है, चाहे जवान है, हमें देश के लिए, क्योंकि देश है तो हम हैं। और इसलिए आज मैं गुणवान यहाँ से देता हूँ। आप मेरे साथ बोलेंगे और केवल बोलेंगे नहीं, इसको अपने जीवन में दिल में उतारेंगे। वतन पे मैं निसार हूँ, सिपाही मेरा नाम है, वतन पे मिटना काम है, वतन पे मिटना काम है। शुक्रिया आप सबों को, अल्लाह खैरियत बख्शे।